भी यहाँ पे इस फेस्टिवल में शिरकत नहीं की। इस बारे में हम खान साहब से बात करेंगे। पहले खान साहब आपका वैली ऑनलाइन में स्वागत है। शुक्रिया जी। मतलब खान साहब अगर बात करेंगे, यहाँ पे फेस्टिवल था 2017 का, एक ग्रैंड फेस्टिवल होने वाला था, इसके बावजूद भी यहाँ पे आपने शिरकत नहीं की, इसकी वजूहत क्या रही? इसमें एक्चुअली देखिए, गुरेज दलील का चपा चपा जो है ये जनती बेनजीर है। जैसे पहले अंग्रेजों ने भी कहा है कि गुरेज इज द हिडन हेवन ऑफ कश्मीर, तो इसका मेले का जो मकसद होता है ये होता है यहाँ के टूरिज्म को डेवलप करना और यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स को डेवलप करना। अनफॉर्चुनेटली आज का जो फेस्टिवल हुआ यहाँ पर, इस फेस्टिवल में मुझे नहीं लगा कि ये गुरेज का फेस्टिवल है, बल्कि ये पूरे कश्मीर का फेस्टिवल था, क्योंकि टेंट वाले भी श्रीनगर से लाए गए, क्लब जो क्लब वाले हैं, कल्चरल अकेडमी वाले हैं, वो भी श्रीनगर से लाए गए यहाँ, जबकि हमारे पास बहुत अच्छे क्लब मौजूद हैं, बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम्स करने वाले क्लब मौजूद हैं, उनको पूछा नहीं गया। और यहाँ तक कैटरिंग का ताल्लुक है, कैटरिंग में वाले भी वहीं से लाए गए। यहाँ पर हमारे होटलर्स हैं 4-5 या 6-7 जितने भी हैं, कम से कम उनको भी अगर पूछा जाता, उनको भी अपना हिस्सा दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने इस मेले में, इस गुरेज फेस्टिवल में जाने से दूर रहा। हमारे निजामुद्दीन भट्ट साहब आए थे, जनरल सेक्रेटरी हमारे पीडीपी के, या हमारे फारूक इंद्राबी साहब आए थे मिनिस्टर, वो भी, उन्होंने भी रिस्ट्रेन किया इस चीज़ को। और वजह यही है कि अगर गुरेज फेस्टिवल है तो ये गुरेज का ही होना चाहिए। जैसे लद्दाख में फेस्टिवल मनाते हैं, लद्दाख वाले भी अपने तरीके से अपना फेस्टिवल मनाते हैं, वो भी बाहर से कश्मीर से किसी को उसमें शामिल नहीं करते हैं। यही मैं चाहता था कि यहाँ पर भी ऐसा हो, और साथ ही साथ यहाँ का जो नज्म नसक था टूरिज्म के हवाले से, उनका जो बंदोबस्त था वो ठीक नहीं था। यानी एक ही ग्राउंड में वहाँ पर मर्द औरतों सबको बिठाया गया, और ये तरीका ठीक नहीं था, ये हमारे कल्चर के खिलाफ था, और ये हमारे इस्लामिक व्यू से भी ठीक नहीं था। खान साहब अगर वहाँ पे बात करेंगे हम, इन्होंने यहाँ पे जो स्कीम्स रखी थी, जिसके यहाँ पे अलग अलग कल्चर प्रोग्राम्स रहे थे, तो हमारा जो त्रेल गुरेज अलग अलग दो हिस्सों में बांटा हुआ है, त्रेल से बहुत कम लोग आए थे, लेकिन जो भी आए थे उन्होंने एक यहाँ पे एक इल्जाम लगाया कि उन्हें कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह नहीं मिला, उन्हें कोई अकोमोडेशन नहीं मिली, वो उसी गाड़ी से आए, अपने खर्चे से आए, अपने खर्चे से गए, उन्होंने यहाँ पे लोकल होटल्स में खाया, इसकी क्या वजूहत रही होगी? इसके वजूहत भी यही है कि मैंने पहले ही अर्ज किया कि यहाँ का नज़्म नसक जो था इनके टूरिज्म के हवाले से, तो वो बिल्कुल मनफी के बराबर था। और तिलेल के लोग बहुत कम आए, उसमें शक नहीं है। एक्चुअली मैं चाहता था कि अगर बार बार ये 4 साल के बाद या 3 साल के बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है, अगर गुरेज में ही क्यों मनाया जाता है, जबकि गुरेज और तिलेल की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर है, 50-50 है, तो एक साल अगर एक बार फेस्टिवल गुरेज में मनाया जाता है तो दूसरी बार तिलेल में भी मनाया जाए। डिस्टेंस भी काफ़ी है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी इतना अवेलेबल नहीं है, लोग अपना खर्चा देकर वहाँ से गाड़ियों में आगे, यहाँ से ये दिखाते हैं कि हमने गाड़ियाँ प्रोवाइड की, लेकिन गाड़ियाँ, एक दो गाड़ियाँ यहाँ इन्होंने रखी थी नज़दीक के एरिया में, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तिलेल के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, यही को बाइकॉट किया। खान साहब अगर देखा जाए कि ये लोग भी यहाँ पे नहीं आए, जो मतलब हम बात करेंगे तिलेल से भी नहीं आए थे, बगतूर सेक्टर से भी लोग नहीं आए थे, इनके यही इल्जाम रहे होंगे, शायद ये आपके पास भी आए होंगे लोकल लोग, इन्होंने, क्योंकि हमें इन्होंने काफी कंप्लेंट्स की कि इनको यहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह नहीं मिलता, एकोमोडेशन वगैरह नहीं मिला, इस हवाले से आपने कोई कदम उठाया होगा? इस हवाले से मैंने डायरेक्टर टूरिज्म को पकड़ा था, मैंने कहा जैसे ये फेस्टिवल मनाने के लिए आप जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बार नहीं देखा जाता है इस ग्राउंड में वो फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो अपनी जगह तो वो शर्मिंदा भी हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो डायरेक्टर भी नाहिल थे, वो इस काबिल नहीं थे कि वो मैनेज कर पाए, तो यही बदकिस्मती हमारी भी रही कि ये फेस्टिवल जो है ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गया। और इसमें मुझे लग रहा है कि जितना भी एक्सपेंडिचर इस वक्त वो दिखा रहे हैं, वो ग्राउंड में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, और इसमें हमारे नुमाइंदा जो है इस वक्त प्रेजेंट, उसकी भी कोताहियां हैं। उसको चाहे था कि पहले इस फेस्टिवल का पूरा बंदोबस्त करना, हर एक अफसर को कॉन्फिडेंस में लेना, इनके मैनेजमेंट को देखना, हर चीज को देख करके ये फेस्टिवल शुरू करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खान साहब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है,
कि जब यहाँ पे कल स्टेज पे बुलाया गया था, जैसे कि एसडीएम साहब को बुलाया गया, तहसीलदार साहब को बुलाया गया, अलग अलग ऑफिशियल्स को बुलाया गया अवार्ड्स के लिए, तो वहां पे वो सब ऑफिशियल्स नहीं थे, उनके कोई क्लास फोर्थ मेंबर्स हुआ करते थे जो ये वहां से अवार्ड वगैरह, इसके क्या वजूहत रहे होंगे? इसके वजूहत यही रहे कि एक्चुअली इन्होंने पहले ही जैसे लेटर जाने चाहे थे हमारे अफसर जितने भी है, एसडीएम है, तहसीलदार है या और कोई ऑफिसर है यहाँ पर जो तहसील को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, उनको टाइम पर जो कार्ड जाते हैं फेस्टिवल के लिए वो कार्ड उन तक नहीं पहुंचे थे, इस वजह से वो भी उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। तो देखिए, तो ओवरऑल ये जो इन्होंने इतने सालों के बाद यहाँ पे गुरेज फेस्टिवल मनाया था, तो ये फेस्टिवल कामयाब नहीं रहा, ये फ्लॉप शो रहा, इसकी वजूहत यही है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में जो जीरो डॉलर्स इनको मटेरियल उठाना चाहिए था, जैसे काम करना चाहिए था, वो सब नहीं हुआ। जी 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 जी। तो ओवरऑल आपकी क्या राय होगी, मतलब क्या चाहते हैं आप, क्योंकि लोगों के साथ दिल, इनके दिल तो टूट चुके हैं क्योंकि अलग अलग दो हिस्सों को बांटा गया, चाहे वो हमारा गुरेज हो या तुलेन से, तो बहुत कम लोग आए थे, वो भी अपने ही खर्चे पे आए थे, और जब अवार्ड सेरेमनी थी तब उनका कोई नाम नहीं था। नहीं था। तो मेरा फाइनल ये कहना है कि जब भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो इसमें पहले पूरा मैनेजमेंट किया जाए, तिलेल से लोगों को कैसे लाना, उनके लिए रिफ्रेशमेंट क्या होना चाहिए, जैसे बक्तौर एरिया हमारा यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ से लोगों को कैसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए रिफ्रेशमेंट रखा जाए, और पूरा एक बंदोबस्त होना चाहे, हमारे बहनें हैं यहाँ पर, बेटियाँ हैं या माएँ हैं, उनके लिए अलग और मर्दों के लिए अलग जगह हो, बेशक उसी ग्राउंड में हो लेकिन बीच में थोड़ा पर्दा हो, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, वो दूसरी जगहों से हटकर कल्चर है, और इसमें पहले पूरी तैयारी करके ये फेस्टिवल मनाया जाना चाहिए। ड्यूअर व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है पीडीपी की, उनका भी यही कहना है, जो शिकायतें यहाँ के लोगों की थी, आम आवाम की शिकायतें थी कि उन्हें कोई अकोमोडेशन नहीं मिला था, उन्हें कोई रिफ्रेशमेंट नहीं मिला था, या फिर उन्हें इस फेस्टिवल के लिए पहले बुलाया नहीं गया था, और यहाँ के जो भी ऑफिशियल्स थे उन्हें भी ऐसा ही हुआ होगा जैसे हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे मेंबर थे पीडीपी के, उनको भी कोई यहाँ पे इनविटेशन नहीं दिया गया था। इसी की वजह यही हुई थी कि यहाँ पे जो भी मिनिस्टर वगैरह आए पीडीपी के, जो मिनिस्टर आए थे, अंद्राबी साहब आए थे, निजामुद्दीन साहब आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे कोई शिरकत नहीं की।